नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस कथन को सत्य कर दिखाया है विधायक रमेश मेंदुला एवं उनके साथियों ने, जो कि लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही जनसेवा में लगे हुए हैं। इंदौर के विधानसभा क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 18 में विधायक श्री रमेश मेंदुला के नेतृत्व में श्री विजय विज्जू परमार एवं उनके साथियों द्वारा लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट एवं कच्चा राशन बांटने का कार्य शुरू कर दिया गया था, जो कि निरंतर जारी है। श्री परमार ने बताया कि वार्ड क्रमांक 18 में आने वाले शिवकंठ नगर, अवंतिका नगर, सुगंधा नगर, गोविंद नगर खारचा, कुष्ठ रोगी आश्रम इसावाद आदि प्रमुख है एवं उनके द्वारा यहां पर भोजन एवं राशन सामग्री निरंतर वितरित की जा रही है। आइए बिच्चू भैया, आप ये राशन वितरण का कार्यक्रम जो चल रहा है आपका वार्ड क्रमांक 18 में, विगत कितने दिनों से चल रहा है और अभी तक कितने राशन के पैकेट आप बांट चुके हैं वार्ड? विधायक श्री रमेश मेंदुला जी के नेतृत्व में जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हम निरंतर सेवा में जारी है, हमारी निरंतर सेवा जारी है। सबसे शुरुआत में हमने जब से लॉकडाउन चालू हुआ था सबसे पहले हमने मास्क वितरण करे यहाँ पर विधायक जी के नेतृत्व में, उसके बाद हमने सूखा राशन सामग्री हमने बांटी पूरे वार्ड में। जब सूखा राशन सामग्री बांटी तो कहीं ना कहीं हमें समस्या आई कि गैस की टंकियाँ खत्म हो गई है लोगों के पास, तो उनकी डिमांड आने लग गई कि भैया आपने सूखा राशन तो हमें दे चुके हैं बट हम बनाए कैसे, हमारे पास टंकी नहीं। तो उसके लिए फिर हमने सोचा विधायक जी से बात करी, विधायक जी ने बोला फिर भोजन बना के इनको दिया जाए। तो विगत एक महीने से हम कंटिन्यू 20,000 लोगों का डेली का हम भोजन बना रहे थे। क्योंकि रोटी हमारी बन नहीं पा रही थी उस चक्कर में खिचड़ी है, चुल्ली है, दलिया है, हलवा है, सूजी का हलवा है, वो सब हम कुछ ना कुछ कर। क्योंकि निम्न वर्ग का क्षेत्र है यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति, उसके हिसाब से फिर हमने प्रतिदिन हमने 20,000 लोगों का भोजन बनाया। भोजन बना के हमने वो कम्प्लीट करा, उसके बाद से फिर वापस से हमें लगा कि क्योंकि बढ़ते जा रहा तो विधायक जी ने बोला सूखा राशन की हमें व्यवस्था करें। वापस से प्रत्येक घर पर कितने राशन के पैकेट आप बांट चुके हैं? अभी तक हम बांट चुके हैं ये मान के चलिए कि 11,000 से 12,000 सूखे राशन के पैकेट हम विधायक श्री रमेश मंदुला जी ने पूरे वार्ड में बांट चुके हैं। जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ते जा रही है तो ये क्या सतत निरंतर चालू रहेगा? अभी हमने चूंकि जो भोजन के पैकेट दिए हैं, एक परिवार में 15 दिन का राशन है, उसमें दाल है, चावल है, शक्कर है, आटा है, चाय पत्ती है, आलू है, घर का सभी सामग्री जो होती है राशन की किचन की सभी, उसमें तेल से लेकर सारी सुविधा हमने उसको दे रखी है जो उनकी 15 दिन तक पर्याप्त रहेगी। उसके बाद यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर वापस हम निरंतर सेवा में विधायक जी के नेतृत्व में हम लगे रहेंगे। ठीक है, आपका नाम बताओ? विजय विज्जू परमार।